अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। खोदा पहाड़ और निकला कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा ही आज हुआ 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले में। सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अयोध्या में 28 साल पहले जो भी हुआ वह पूर्व नियोजित नहीं था, सब अप्रत्याशित था। अदालत ने केस में पेश किए गए सभी सबूतों को पर्याप्त नहीं माना। 2300 पन्नों के अपने फैसले में विशेष अदालत ने कहा है कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछे से पत्थरबाजी की थी। इतना ही नहीं, ढांचा गिराने में भी कुछ शरारती तत्वों का ही हाथ था। 28 साल बाद दिए गए सीबीआई की विशेष अदालत के इस निर्णय से भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को भारी राहत की सांस दी है। हालांकि निर्णय सुनाए जाने से पूर्व इन तीनों ही बड़े नेताओं ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी लगा दी थी। यह बात और है कि तीनों ही बराबर संचार माध्यमों पर हर पल के ताजा तरीन घटनाक्रम पर सांस रोके नजर लगाए हुए थे। बता दें कि केंद्र में कांग्रेस व यूपी में सपा सरकार के कार्यकाल में 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया गया था। इससे पूर्व राम मंदिर का माहौल बनाने के लिए पीएम पद के वेटिंग उम्मीदवार व भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा भी निकाली थी। 28 साल पुराने इस केस में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने आज यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बता दें कि इस मामले में जो भी आरोपी थे उन पर साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं उनसे यह साबित नहीं होता है और विध्वंस की घटना अचानक हुई थी वो कोई साजिश नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और फोटो, वीडियो या फोटोग्राफी को जिस तरह से साबित किया गया वह सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्होंने बाबरी के ढांचे को बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि भीड़ वहां पर अचानक से आई और भीड़ ने ढांचे को गिरा दिया। गौरतलब है कि इस केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लालू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जय भान सिंह पव्या, महाराज स्वामी साक्षी, वीना कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आर एन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी बनाए गए थे। इन 32 में से 26 आरोपी बुधवार को लखनऊ कोर्ट पहुंचे, जबकि लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और नित्य गोपाल दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्रवाई में शामिल हुए थे। इन तमाम आरोपियों के सामने जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। इस केस की शुरुआत में कुल 49 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से 17 की मौत पहले ही हो चुकी है। मरने वालों में अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सातवें, महंत अवैधनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, वैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉक्टर सतीश नागर, बाल साहेब ठाकरे, तत्कालीन SSP DB राय, रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास और विनोद कुमार बंसल का नाम शामिल है। इस फैसले के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि वह पूर्व से ही कह रहे थे कि यह सब अप्रत्याशित था, कोई सुनियोजित नहीं था। आज कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।